हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसेस पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आने वाले एक हफ्ते में आपकी लाइफ में। हम इस दफा ये वाला डेक यूज करेंगे, साथ में हम टैरो भी ऐड करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। ये वाला डेक बहुत हार्ड है टू शफल बिकॉज ये इट्स अ बिग वन। सो लेट्स सी, हमारे पास है 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है लिली, स्पिरिचुअल लव। दूसरा कार्ड है बर्ड, पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज, लेटर। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे। ओके, देन वी डू हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। ओके, देन वी डू हैव लायन, टाइम टू एक्ट। मुझे लगता है कि आने वाला एक हफ्ता आपके लिए काफी ज्यादा मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जैसे देर इज समथिंग जो आप जिसका आप वेट कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसा मैसेज है जिसका आप वेट कर रहे हो। और ये न्यूज़, ये मैसेज जो भी है आपकी लाइफ में राइट नाउ, जिसके बारे में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, चाहे यू नो आप जो भी चाह रहे हो ना राइट नाउ, जो भी न्यूज़ सुनना चाह रहे हो, जो भी मैसेज सुनना चाह रहे हो, इट्स ऑन इट्स वे। लेकिन ये जो वेट है ना आपका इस न्यूज़ को लेकर, मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को लेकर जो आपका वेट है वो आपको काफ़ी हद तक आपके जो स्पिरिचुअल जो अपब्रिंगिंग है या स्पिरिचुअल जो आपका पाथ है, स्पिरिचुअल जो आपका कनेक्शन है अपने रब के साथ, अपने गॉड के साथ, मुझे लगता है कि इट्स गना गेट यू क्लोजर टू दैट। कहीं ना कहीं आप जो एक डिज़ायर रख रहे थे, एक विश रख रहे थे, जो आप पूरा होता देखना चाह रहे थे, ये जो टाइम है ना, वेटिंग टाइम, ये आपको उस डिजायर के करीब तो लेकर जाएगा ही, लेकिन आपका कनेक्शन विद द डिवाइन जो है मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रांग होने वाला है आने वाले एक हफ्ते के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो, और तभी जब यू नो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो या आप किसी चीज में अपसेट होते हो, तो यू फील अ स्ट्रांग कनेक्शन टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, क्योंकि आप दुआ करते हो, आप मांगते हो अपने रब से कि मुझे ये चाहिए या ये डिफिकल्टी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन विद द डिवाइन जो है वो काफी स्ट्रांग होने वाला है आने वाले एक हफ्ते के अंदर। रीजन मुझे ये लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसका आप वेट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो, और आप उसको शिद्दत से चाहना चाहोगे, आप उसको शिद्दत से मांगना चाहोगे अपने रब से। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कनेक्शन बनाना चाहोगे अपने रब के साथ, ताकि जो आपको चीजें चाहिए, आपकी विशेस पूरी चाहिए आपको, वो विशेस आपका डिवाइन आपको आसानी से यू नो ब्लेस कर दे आपको। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक्शंस भी लेना शुरू करोगे। हो सकता है कि पहले आप सिर्फ दुआओं पे यू नो बैठे हुए थे और आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप यू नो आप जब अपने रब के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं वो जो गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगी, आप उनके ऊपर इनएक्ट करोगे। जब आप उनके ऊपर एक्ट करोगे तो आपको उस गाइडेंस के थ्रू रास्ते दिखेंगे, पीपल दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, जिनको आप फॉलो करते हुए अपने गोल तक रीच कर सकोगे। सो कहीं ना कहीं एक आपको इन यू नो अलाइनमेंट दिखेगी अपनी लाइफ में, सिंक्रोनिसिटी दिखेगी अपनी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में, जो कि आपको आपकी डिजायर के करीब लेके जा रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप एक वाइट बर्ड आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर देखते हो जो कि फ्लाई कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको उसमें कंफर्मेशन मिलेगी कि यस, जो आप चाह रहे हो इट्स ऑन इट्स वे। आप अगर चाहो तो आप अब से क्लोज योर आईज राइट अवे राइट नाउ, और अपने मन में एक ख्वाहिश या एक यू नो इंटेंशन सेट करो कि अगर आपकी विश बहुत करीब है आपके, तो डिवाइन आपको एक फ्लाइंग वाइट बर्ड दिखाए, एंड देन लेट इट गो। अब जब आप लेट इट गो करोगे, तो आपको आने वाले एक हफ्ते में अगर वो न्यूज़, वो मैसेज आपको मिल जाना है जिसका आप वेट कर रहे हो, तो आपको एक वाइट बर्ड दिखेगा। और आपने खुद से नहीं देखना है कि आप आसमान पे देखना शुरू कर दो कि वो बर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जस्ट लेट इट गो, लेट इट बी। आपकी खुद नजर पड़ेगी जब वाइट बर्ड आएगा, सो जस्ट अलाउ इट टू हैपन। मुझे लगता है कि मीन वाइल आपको वो एक्शंस लेने हैं जो आप यू आर फीलिंग इंस्पायर टू टेक एक्शंस। ठीक हो क्या? लेट्स सी कि और क्या आने वाला है आपकी जिंदगी में आने वाले एक हफ्ते में, क्या चेंजेस देख सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? I'm gonna take all those cards. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में?
यू हैव टू ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोल्स राइट ना, आप अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर अपसेट हो सकते हो, आप किसी मैसेज या न्यूज का इंतजार कर रहे हो लव लाइफ से कनेक्टेड, आपको लग रहा है कि न्यूज शायद आपको नहीं मिलेगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ख्वाब आपको आ रहे हैं थोड़े अजीब किस्म के आजकल, और आप स्ट्रेस्ड आउट होके उठते हो मॉर्निंग में, आपको थोड़ा यू नो एक नेगेटिविटी सी फील होती है या एक अनसेटलिंग एनर्जी सी फील होती है। मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग एक यू नो हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे हैं, चाहे विद अ स्पेसिफिक समवन, चाहे किसी नए पर्सन के साथ, लेकिन आपको बुरा फील होता है कि यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक समवन अपनी जिंदगी में राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने स्ट्रेस से निकल पाओगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर, और जो न्यूज है, जो मैसेज है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस पर सरेंडर कर सकोगे। कहीं ना कहीं आपका जब कनेक्शन अपने डिवाइन के साथ स्ट्रांग होगा, तो आपके लिए फेथ बिलीव रख पाना कि हो जाएगा, यू नो वर्कआउट हो जाएंगी चीजें, चाहे करंटली लव लाइफ में हो कोई आपके स्पेसिफिक संबंध या नहीं है कोई भी आपकी जिंदगी में, सिंगल भी हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप लव को लेकर काफी स्ट्रेस्ड आउट थे, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आपको उसमें जो है पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी अपने अंदर। आप लव को लेकर कंसर्न नहीं रहोगे क्योंकि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो रहा है। सो आपको फेथ, पीस, गिवन सर्कमस्टांसिस में जब कोई नहीं भी है या कोई है भी और सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, तो भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है आपका रब के साथ जो है वो आपको एक पीस दिला रहा है। सो जो वो पीस आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी जिंदगी के वो फेज को खत्म कर दोगे, उससे निकल जाओगे जो कि नेगेटिव है। सो वो चेंज मुझे आपकी जिंदगी में आता दिख रहा है आने वाले एक हफ्ते में। अंडर द डेक वी डू हैव द पेज ऑफ कॉइंस, सो जो न्यूज, जो मैसेज जो आप चाह रहे हो, मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क लाइफ से कनेक्टेड है, या होम लाइफ से कनेक्टेड है, यू विल गेट दैट न्यूज, यू विल गेट दैट मैसेज। लेट्स सी कि आने वाले एक हफ्ते में आपके लिए लकी कलर कौन सा है। Let's see, आपके लिए लकी कलर कौन सा है। देयर यू गो, वी डू हैव अ गोल्ड बाय द वे, लेट मी पिक द कार्ड अप, होल्ड ऑन। सो आपके लिए लकी कलर है गोल्ड, अट्रैक्ट अबंडेंस नंबर 21 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट यस आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा लक, गुड लक, अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा ऐसा, तो मेक श्योर कि आप इस हफ्ते में गोल्ड कलर का ज्यादा इस्तेमाल करो। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप शायद थोड़ा अपसेट होगी, लेकिन जो भी है सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अगेन दुआ अफर्म करो और सेट इंटेंशन और चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। मेक अ चेंज, वेलकम चेंज इनटू योर लाइफ। आप में से काफी सारे लोग चेंज को भी रेजिस्ट कर रहे हो, और अगर आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो तो भी आपकी जिंदगी में जो है वो मूवमेंट नहीं आ रही, वो चीजें नहीं आ रही जो आप डिजायर करते हो। सो मेक श्योर कि आप चेंज को होने दो। एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, ट्रस्ट योर इनर रिसोर्सेस। अगेन आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनसे भागने की जरूरत नहीं है, उनको फेस करो, उनको डील करो, और फिर अपनी 100% एफर्ट करो, 100% एक्शन लो कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको अच्छे तरीके से। उसमें आपको डिवाइन आपकी हेल्प करेगी, अगर आप दुआ मांगते हो, अगर आप कनेक्ट करते हो अपने रब के साथ, तो वो आपको काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।